हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू बॉक्स ऑफिस। बात करने वाले हैं 2018 इस मूवी का 5 डे कलेक्शन लेकर। बात करेंगे द केरला स्टोरी इस मूवी का 5 डे कलेक्शन लेकर। आप लोग जानते हैं द केरला स्टोरी ऑलरेडी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुका है और 2018 तो 2023 का वन ऑफ द बेस्ट या मैसिव ब्लॉकबस्टर बन चुका है। बात करेंगे इन दोनों में कलेक्शन लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना टू बॉक्स ऑफिस चैनल को। टू बॉक्स ऑफिस चैनल ट्राई करते हैं जी भाई जी अपडेट देने के लिए सारे मूवीज का लेटेस्ट अपडेट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचाने के लिए। पर बात करें 2018 मूवी को लेकर, इस मूवी का बजट है 10 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है टोविनो थॉमस, 5 डे कंप्लीट का है। 2018 एक ब्लॉकबस्टर है, मूवी ने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड इंडियन मार्केट में कर चुका है। दर्शक अगर सपोर्ट करे लाइफ टाइम में तो मूवी बहुत पैसा कमा सकता है। हमें एक्सपेक्टेशन है ये फिल्म एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन जाएगा। आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखा, देख लेना। आप बता दो अपने 5 डे में इस मूवी ने केरला सेशन किया है 3.80 लाख और मार्केट सेशन किया है 3.50 लाख। मूवी ने वॉलेट मार्केट का 1 करोड़ रुपीज तो दर्शक घुसे ने 21.50 लाख। आपने अभी तक 2018 फिल्म नहीं देखा, देख लेना। कौन उदास देखते हैं तो अभिनव थॉमस सर का ये फिल्म आप लोग कैसा लगा। अब बात करें द केरला स्टोरी को लेकर, इस मूवी का बजट है 20 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है आदा शर्मा, में 5 डे कंप्लीट का है। द केरला स्टोरी एक ब्लॉकबस्टर है, आप लोग जानते हैं मूवी को ऑलरेडी मैसिव ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। दर्शक इस मूवी को सपोर्ट कर रहा है और लाइफ टाइम में ये फिल्म बहुत पैसा कमा सकता है। आप लोग जानते हैं द कश्मीर फाइल जैसे द केरला स्टोरी भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन सकता है। अपने 5 डे में इस मूवी ने ऑल इंडिया ग्रॉस सेशन किया 14 करोड़ रुपीज और मार्केट सेशन किया 4 करोड़ रुपीज वाला मार्केट सेशन किया 18 करोड़। धन्यवाद।